हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे 2023 में जनवरी से दिसंबर तक पड़ने वाले विवाह के शुभ मुहूर्तों की, ताकि आप पहले से ही विवाह कार्यक्रम की तैयारी कर पाएं। दिनांक 14 जनवरी 2023 को रात में 3:52 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी और इसके साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, तो खरमास के बाद कब कब विवाह के मुहूर्त हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात जनवरी महीने की। 15 जनवरी दिन रविवार, माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी, नक्षत्र स्वाति। 16 जनवरी दिन सोमवार, माघ कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र चित्रा स्वाति। 17 जनवरी दिन मंगलवार, माघ कृष्ण पक्ष दशमी, नक्षत्र अनुराधा। 18 जनवरी दिन बुधवार, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी, नक्षत्र अनुराधा। 22 जनवरी दिन रविवार, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र श्रवण। 25 जनवरी दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, नक्षत्र उत्तराभाद्रपद। 26 जनवरी दिन गुरुवार, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र उत्तराभाद्रपद रेवती। 27 जनवरी दिन शुक्रवार, माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी, नक्षत्र रेवती अश्विनी। 30 जनवरी दिन सोमवार, माघ शुक्ल पक्ष नवमी, नक्षत्र रोहिणी। 31 जनवरी दिन मंगलवार, माघ शुक्ल पक्ष दशमी, नक्षत्र रोहिणी मृगशिरा। अब जानते हैं कि फरवरी में कौन कौन से मुहूर्त हैं। 1 फरवरी दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, नक्षत्र मृगशिरा। 6 फरवरी दिन सोमवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र मघा। 7 फरवरी दिन मंगलवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया, नक्षत्र मघा। 8 फरवरी दिन बुधवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 9 फरवरी दिन गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त। 10 फरवरी दिन शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी, नक्षत्र हस्त चित्रा। 11 फरवरी दिन शनिवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी, नक्षत्र चित्रा स्वाति। 12 फरवरी दिन रविवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी, नक्षत्र स्वाति। 13 फरवरी दिन सोमवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा। 14 फरवरी दिन मंगलवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र अनुराधा। 15 फरवरी दिन बुधवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी, नक्षत्र मूल। 16 फरवरी दिन गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, नक्षत्र मूल। 17 फरवरी दिन शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। 22 फरवरी दिन बुधवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। 23 फरवरी दिन गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया, नक्षत्र रेवती। 24 फरवरी दिन शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र अश्विनी। 27 फरवरी दिन सोमवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी। 28 फरवरी दिन मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी, नक्षत्र मृगशिरा। अब बात मार्च महीने की। 1 मार्च दिन बुधवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी, नक्षत्र मृगशिरा। 5 मार्च दिन रविवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, नक्षत्र मघा। 6 मार्च
दिन सोमवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी नक्षत्र मघा। 7 मार्च दिन मंगलवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 8 मार्च दिन बुधवार चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 9 मार्च दिन गुरुवार चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया नक्षत्र हस्त। 10 मार्च दिन शुक्रवार चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया नक्षत्र चित्रा। 11 मार्च दिन शनिवार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी नक्षत्र स्वाति। 12 मार्च दिन रविवार चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी नक्षत्र अनुराधा। 13 मार्च दिन सोमवार चैत्र कृष्ण पक्ष षष्ठी नक्षत्र अनुराधा। 14 मार्च दिन मंगलवार चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी नक्षत्र मूल। 15 मार्च दिन बुधवार चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी नक्षत्र मूल। 15 मार्च दिन बुधवार को दिन में 8:59 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खर मास शुरू हो जाएगा और 1 महीने के लिए विवाह मुहूर्त नहीं रहेंगे। पुनः 14 अप्रैल को सायं 5:04 पर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन विवाह के मुहूर्त 29 अप्रैल को गुरु के उदय के बाद ही शुरू होंगे, यानी अप्रैल महीने में विवाह का एक भी मुहूर्त नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि मई महीने में विवाह के मुहूर्त कब कब हैं। 2 मई दिन मंगलवार वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त। 3 मई दिन बुधवार वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी नक्षत्र हस्त चित्रा। 4 मई दिन गुरुवार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी नक्षत्र चित्रा स्वाति। 5 मई दिन शुक्रवार वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नक्षत्र स्वाति। 6 मई दिन शनिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा नक्षत्र अनुराधा। 7 मई दिन रविवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया नक्षत्र अनुराधा। 8 मई दिन सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया नक्षत्र मूल। 9 मई दिन मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी नक्षत्र मूल। 10 मई दिन बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। 11 मई दिन गुरुवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी नक्षत्र श्रवण। 15 मई दिन सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। 16 मई दिन मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी नक्षत्र रेवती। 20 मई दिन शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नक्षत्र रोहिणी। 21 मई दिन रविवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया नक्षत्र मृगशिरा। 22 मई दिन सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया नक्षत्र मृगशिरा। 26 मई दिन शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी नक्षत्र मघा। 27 मई दिन शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी नक्षत्र मघा। 28 मई दिन रविवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 29 मई दिन सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नौमी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त। 30 मई दिन मंगलवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी नक्षत्र हस्त। अब बात जून महीने की। 3 जून दिन शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी नक्षत्र अनुराधा। 6 जून दिन मंगलवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। 7 जून दिन बुधवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी नक्षत्र उत्तराषाढ़ा श्रवण। 11 जून दिन रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। 12 जून दिन सोमवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष नौमी नक्षत्र रेवती।
13 जून दिन मंगलवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी, नक्षत्र अश्विनी। 22 जून दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, नक्षत्र मघा। 23 जून दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र मघा। 25 जून दिन रविवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 26 जून दिन सोमवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी, नक्षत्र हस्त। 27 जून दिन मंगलवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नौमी, नक्षत्र चित्रा। 28 जून दिन बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी, नक्षत्र स्वाति। 29 जून दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, नक्षत्र स्वाति। 29 जून दिन गुरुवार को हरिशयनी एकादशी है, उसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएगा जो 23 नवंबर को हरिप्रबोधिनी एकादशी को समाप्त होगा, उसके बाद विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर महीने में कौन कौन से मुहूर्त हैं। 24 नवंबर दिन शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी, नक्षत्र रेवती अश्विनी। 27 नवंबर दिन सोमवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, नक्षत्र रोहिणी। 28 नवंबर दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र मृगशिरा। 29 नवंबर दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया, नक्षत्र मृगशिरा। 3 दिसंबर दिन रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी, नक्षत्र मघा। 4 दिसंबर दिन सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी, नक्षत्र मघा। 5 दिसंबर दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 6 दिसंबर दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। 7 दिसंबर दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी, नक्षत्र हस्त। 8 दिसंबर दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, नक्षत्र चित्रा। 9 दिसंबर दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी, नक्षत्र स्वाति। 13 दिसंबर दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र मूल। 14 दिसंबर दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, नक्षत्र मूल। 15 दिसंबर दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। 16 दिसंबर दिन शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। सूर्य 16 दिसंबर को रात 1:26 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ एक महीने के लिए खरमास लग जाएगा और विवाह के मुहूर्त 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद शुरू होंगे। धर्म और संस्कृत से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।